अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक नईम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं जी वीडियो शुरू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अभी जी मैं सुबह सुबह जी इधर रुकनाबाद जा रहा हूँ जी, पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब के पास। माशाल्लाह से जी कमाल व्यू है जी, इस तरफ भी जामन उस तरफ भी जामन, छाँव ही छाँव है जी, कमाल जी कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन आधा किलोमीटर तक जी जामन ही जामन है। वीडियो चलते ही जाएगी जी, जहाँ तक जामन है, आपको भी मंजर दिखाएं। देखें जी एंड खजूर पे होता है जी, खजूर का दरख्त है एंड पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी खजूर का दरख्त। अल्हम्दुलिल्लाह से जी पीर साहब के पास पहुंच चुका हूं जी, और इधर जी मुरीदान बैठे हुए हैं जी, और ये जी सारा पीर साहब ने जहाँ से मतलब के जिसके शर्गिद थे ना, हज़रत हाजी फैज़ुल्लाह शाह बुखारी 1390-17 सफ़ा रुकनाबाद वाले, ये उनकी मतलब के ग़ुलाम चिश्त अहल बेश्त हैं, और ये जिन्होंने मतलब के उनके ग़ुलाम हैं जी पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, हज़रत हाजी फैज़ुल्लाह शाह बुखारी के ग़ुलाम हैं, हाजी हज़रत हाजी फैज़ुल्लाह शाह बुखारी हज़रत ख्वाजा रहीम बख्श के मतलब के ग़ुलाम हैं, इस तरह हज़रत ख्वाजा काजी मोहम्मद खुदा यार ये खानपुर काजन शरीफ वाले, उनका भी नाम लिखा हुआ है, ये मतलब के उनके शर्गिद हैं जी, ये हमारे पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब हज़रत हाजी फैज़ुल्लाह शाह बुखारी के मतलब के ग़ुलाम हैं, शगिर्द हैं, और ऊपर ऐसे शजरा नसब चलता चलता जी सारा लिखा हुआ है जी, जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है जी। ये हज़रत ख्वाजा काजी मोहम्मद खुदा यार खानपुर काजन शरीफ वाले, वो आपने वीडियो मेरी देखी होगी जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक मैंने दिखाया था, फिर हज़रत ख्वाजा काजी मोहम्मद खुदा यार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ईसा जमान से मतलब के उनके ग़ुलाम हैं, ऐसे ऐसे चलता चलता जी सारा शजरा नसब, ये देखें माशाल्लाह हाफिज़ जमालुल्लाह मुल्तानी साहब का भी नाम लिखा हुआ है जी, ये देखें हज़रत ख्वाजा जमालुद्दीन मुल्तानी 34वें नंबर पे, ये सारा सिलसिला बैयत लिखा हुआ है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारा जी शजरा ना सब लिखा हुआ है जी। ये उर्स मुबारक जी पीर साहब जो करते हैं अपने वाले साहब का, देखें जी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी साहब का भी नाम लिखा हुआ है जी, बहुत ही जो वलीउल्लाह हैं जी, ये हज़रत पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब का जी 40वां नंबर है जी शजरा नसब, सादात हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं जी माशाल्लाह, और जहाँ जहाँ से जी जो मतलब के ग़ुलाम हैं उनका नाम लिखा हुआ है, दिल्ली औरंगाबाद, दिल्ली मदीना मुनवरा, दिल्ली पटन शरीफ, चिश्तियाँ, मुल्तान शरीफ, खैरपुर शरीफ, खानपुर, रुकनाबाद, मतलब कि इस तरह जी सारे नाम लिखे हुए हैं जी, शाम जहाँ पर इनके मेज़ार मुबारक हैं जी,
और अंदर जी ये देखें जी बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है जी, आंसर इज भी साहब। और ये जो फ़कीर साहबजादा सैयद फैज़ मुहीउद्दीन बुखारी है ना, ये पीर से अताउल्लाह शाह साहब के बेटे हैं जी, ये भी खिताबत करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, पीर साहब से हो लिया। ये है जी लैक रफीक अस्पताल, बहुत ही अच्छी अस्पताल है जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर होती है मरीज़ों की और रेट भी मुनासिब होता है जी। ये आई थिंक अयूब पैक फैक्ट्री है या पता नहीं यकूब है उनकी है ये लैक रफीक अस्पताल। वाला अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, पीर साहब से हो लिया जी, अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इधर से जी बिदामों की सरदाई पियेंगे जी। ये जो भाई हैं ना जी, ये जो भाई हैं जी अपने सब्सक्राइबर हैं जी, वदा दे लाला वदा दला इतना छोटा गिलास बना दिया मैंने, कहा जी बड़ा दो। हमारी सरदारी आ चुकी है जी, व्यूवर्स अगर आपने पीने है तो आ जाए। इधर से बकरे का गोश्त ले रहा हूँ जी, क्योंकि वाले साहब ने कहा है जी लेके आओ ना ना आधा किलो पूरा कर ले। कितने ना पड़ दे यार, तू आधा किलो पूरा कर। कितना लाया मेरे 1500। अभी जी अपने शहर चलते हैं, पीछे आए हुए हैं जी मामू। तो अभी जी भूख लगी है जी, सुबह को नाश्ता किया था हल्का फुल्का, तो अभी शहर चलते हैं जी, दही भले वगैरह खा के आते हैं जी। ये रहे जी मामू जान पीछे, चलें जी चलते हैं जी, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। माशाल्लाह से जी दही भले हमारे आ चुके हैं जी, मामू जी अपनी महबूबा को लगे हुए हैं जी। चल रहा है ना हवा तो साको लगते नहीं, गोगे जो आप जोगे भी आयो आपने तो पक्का कि आवाम कितने कितने आवाम बैठे सारी जा नहीं गया नहीं गर्मी है तो आप झटे दे खड़े हुए हैं। बोतलों की जी एमटी नीचे गिरी है जी, टूट गई है सारी कि मैं त्रुटिए ढाई पे अपने आप ओए हो लाला का नुकसान थे जी ढेर सारा। ये देखें जी बड़ी खतरनाक टूटी हैं जी, उधर तक गई हुई हैं जी। ये उधर से जी वो करते रहे हैं जी, वो टूट के ना शीशा सारा सड़क पर फिर गया है जी, उधर तक शीशा गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी दही भले खा लिया जी, अभी जी मैं अपने शहर की तरफ जा रहा हूँ जी आगे। ये हमारे शहर का जी पीछे चौक है अजमल चौक, अजमल टाउन चौक, तो उधर हमने दही भले खाए हैं जी रजान से। तो अभी जी आगे जा रहे हैं जी, पावर बैंक है जी हमारे पास, उसका ना चार्जर नहीं है। मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया था, वो ना चार्जिंग भूल गए हैं या पता नहीं उन्होंने डाला नहीं है, इसको ना चार्जिंग का मसला है जी, पावर बैंक का चार्जिंग नहीं है। ये दिखाई पावर बैंक, ये
मैक्सून वालों का है जी, बहुत ही अच्छा है। और आधे घंटे में जी मोबाइल फुल कर देता है। मैंने 2500 का लिया था जी, अच्छा परचेज किया था और इसके फायदे बहुत अच्छे हैं जी। अभी जी तरबूज ढूंढ रहे हैं जी, ठंडा ठंडा तरबूज खाने का जी दिल कर रहा है जी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। तो इधर अड्डे पे नहीं है जी, अभी शहर अपने चलते हैं जी, मेन चांडी चौक उधर होगा आई थिंक, मेरे ख्याल में उधर है एक बंदा जो लगाता है, अगर वो ना मिला तो फिर सरदा खाएँगे जी। बल्कि सरदे वाला इधर बैठा जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ ना, गर्मी की वजह से जी मैं भूल गया था, इधर जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ ना बाग वाले, इधर सामने है जी। ये देखें जी, छोटा सा बच्चा, इसके बाइक का सलेंसर भी नहीं है, ऐसे शोर मचाया हुआ है इसने। इधर सामने है जी, तरबूज भी बनाता है ठंडा और सरदा भी होता है भाई के पास, ठंडा ठंडा चल के जी खाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये भी एक मेवा है जी, गर्मियों का तोहफा है जी। ये रहा जी भाई, इधर से मैं खाता हूँ जी हर जुम्मे को। जामुन भी आ चुका है जी मार्केट में। ये आलूचा, ये मैंने एक दफ़ा खाए थे बस। लेमन, बहुत लिमकल भी लगाया हुआ है भाई ने। ये 200 रुपये किलो है जी अभी जी, आधा किलो करवाया जी ठंडा ठंडा। गर्मा सब्दा भी बोलते हैं गर्मा भी, माशाल्लाह से जी आ चुका है जी हमारा गर्मा। सही है ठंडा माशाल्लाह से जी। ये नमक लगाया जी अभी, हम भी खाते हैं जी। मज़ेदार मज़ेदार, ठंडा बहुत है। ये हमारे शहर की मेन मस्जिद, अभी जी मस्जिद में पानी मारा है जी, वो खुश्क कर रहे हैं क्योंकि तपिश बहुत होती है जी, अभी तक भी फर्श गर्म है जी। ये आ गया जी बबरा। हाँ भाई बबरा, बबरा ठीक है। अभी जी नमाज असर अदा करने के लिए आए हुए हैं जी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, नमाज असर मैंने अदा कर लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी जानवर उधर बंधे हुए थे जी लसूड़े के दरख्त के नीचे, तो अब भागते हुए आ रहे हैं जी। आज़ादी बड़ी जी एक नेमत है जी। हामिद लोग हो गए जी, जानवर हैं जी। ये दूध भी देती हैं जी तीनों। छोटा कट्टा भी जा रहा है जी।
देखें जी बड़ी शौक से जी घास खा रही हैं जी, दे दोनों कट्टियाँ हैं जी। माशाल्लाह से जी ये कारी साहब हैं जी, कारी आसिफ हमारे गांव में रहते हैं जी, ये उनके मकान बन रहे हैं जी माशाल्लाह से जी। ये देखें आज के दौर में जी घर बनाना बहुत ही मुश्किल है जी, मटेरियल बहुत महंगा है जी, सीमेंट देख लें, बजरी देख लें, और उसके अलावा जी टीयर गार्डर देख लें, सब चीज़ें महंगी हैं जी। देखें जी बहुत बड़ा बैल है जी, ये उस भाई की थी जो उधर चल रही थी जी कट्टियाँ और कट्टे, उनको वापस लेके आ रहा है। ये सारा दिन जी चराते हैं जी जानवरों को, अब जी घर लेके जा रहे हैं जी, क्योंकि सारा दिन इन्हें चलाया जी, इन्होंने पेट भर लिया है जी, जहाँ पे रकबा खाली पड़ा हो ना ये उधर ही चराते हैं जी, इनकी अपनी ज़मीन नहीं है जी ना, और अपना घास है बस, ये साइडों साइडों पे नहर के किनारे चराते हैं जी। खादम ओ अक्का की दीवाने क्या रेडी तने गयो वी घाट 500 मोट सस्ता थे नहीं गया आगे तो 600 तक गया बताए 400 रुपए किलो में चीनी क्या रेडी तने 120 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह से जी कुछ महंगाई कम होना शुरू हो चुकी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जी 490 रुपए किलो घी हो चुका है जी, हूर का सुल्तान का 10-5 ऊपर होंगे, और इसके अलावा जी चीनी है जी 120 रुपए किलो जी, ये चीनी पहले 90-95 से थी, अब थोड़ी सी ऊपर बढ़ चुकी है जी। जी बिस्मिल्लाह कॉलोनी बिलाल टाउन फेज 2 2 मुहाने वाला, भाई साहब धड़ाधड़ सोसाइटियाँ बढ़ रही हैं जी, ज़मीनी जगह ज़रा ही रकबा जी सोसाइटियों में कन्वर्ट हो रहा है जी, हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही जी, ये सोसाइटियाँ कम हो घर बनाए जा रहे हैं जी ज़रूरी ज़मीनों में। 120 रखे 120 ठीक, बड़ी दी आवाज़ आवे वाल बंद करें ठीक है, बड़ी दी आवाज़ आ वालों को चेक गिने, हाली आवाज़ क्या नहीं आई भैया, हाली आवाज़ क्या नहीं आई बड़ी दी सारी खोल है, सारी खोल है सादे का त्री है ही बारे दे पति दे दी गाड़ी चालो की बात है हैं
अगर जो ल अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।